हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और हैंड वॉशिंग की हमको जब हॉस्पिटल में जब भी हम काम करते हैं तो हमको हैंड वॉशिंग की ज़रूरत पड़ती है। और हैंड वॉशिंग की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन साथ में ही हमको उसके स्टेप्स भी आने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हैंड वॉशिंग कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले किया जाता है और प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हमको हैंड वॉशिंग करनी पड़ती है। हैंड वॉशिंग हमारा जो क्रॉस इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक करता है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में सीखते हैं कि हैंड वॉशिंग किस तरह की जाती है और इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो हैंड वॉशिंग के जो स्टेप होते हैं वो सात होते हैं। सात स्टेप में हैंड वॉशिंग होती है। फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हैंड को वेट करना है। जैसे ही आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद में आपको उस पर सोप डालना है। सोप उतना लेना है, साबुन उतना लेना है कि जिससे आपके हाथ धुल जाए। और सोप लेने के बाद में आपको पाल्म टू पाल्म, इस तरह पाल्म टू पाल्म आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। फर्स्ट स्टेप होता है पाल्म टू पाल्म हैंड रब करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा बैक टू पाल्म। एक पाल्म इसके ऊपर दूसरी पाल्म रख के आपको इस तरह रब करना है, फिर दूसरे हैंड पे सेम ऐसे ही आपको रब करना है। थर्ड स्टेप होता है पाल्म टू पाल्म विद इंटरलेस्ड। आपको एक पाल्म और दूसरी पाल्म और विद फिंगर आपको क्या करना है, इंटरलेस्ड इस तरह क्रॉस करना है। इस तरह आपको हैंड वॉशिंग वो हैंड रब करने हैं। उसी के साथ साथ में आपको बैक टू पाल्म इंटरलेस्ड, पहले आपको राइट पाल्म है वो लेफ्ट हैंड के बैक में आपको इंटरलेस्ड क्रॉस आपको रब करना है। उसके बाद में आपको लेफ्ट पाल्म है वो राइट हैंड के बैक पे आपको रख के आपको इंटरलेस्ट आपको रब करना है। ये हो गए आपके तीन स्टेप। चौथा स्टेप है आपका कप योर फिंगर विद क्लीन नकल। आपको क्या करना है, आपकी फिंगर को कप शेप में लाना है। जैसे आप देख रहे हैं ये फिंगर है कप शेप में, इधर से ये फिंगर कप शेप में आपको इंटरलॉक करना है। लॉक हो गए ये फिंगर दोनों एंड की और आपको इस तरह से आगे पीछे इस तरह आप देख रहे हैं इस तरह आपको करना है। साथ में आपको ये आपका थंब है, इससे आपको फिंगर की बैक साइड है वो भी आपको क्लीन करनी है इस तरह से। और फिर इसी तरह से आपको पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड इस तरह से आपको यहाँ से फिंगर की बैक साइड भी क्लीन होगी और फिंगर कप शेप में रहेगा और जिससे आपके नक्कल हैं नाखून हैं वो भी साफ हो। इस तरह आपको रब करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, राइट हैंड से आपको रोटेशन मैनर में आपको थंब आपको क्लीन करना है। लेकिन आपको थंब क्लीन करने के साथ साथ में आपको इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का एरिया भी आपको क्लीन करना है। जैसे इस तरह से इंडेक्स फिंगर से आपको यहाँ से रोटेट करते हुए आपको लेफ्ट थंब क्लीन करना है। उसी तरह से राइट इंडेक्स से आपको इस तरह आपको रोटेशन मैनर में आपको अपना थंब क्लीन करना है। इंडेक्स और थंब के बीच का एरिया क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप है आपका टिप ऑफ फिंगर रब ऑन लेफ्ट पाल्म विद क्लॉकवाइज। आपको फिंगर की टिप हैं इनको लेफ्ट पाल्म पे रखना है, राइट हैंड की फिंगर हैं इनको आपको क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज
उसके बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको रब करना है, पहले क्लॉकवाइज रब करना है उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज रब करना है। इसी तरह से आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर है उसको राइट हैंड पे आपको रब करना है, पहले क्लॉकवाइज उसके बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका हो गया सिक्स स्टेप। सेवेंथ स्टेप है आपका रिस्ट, आपको रिस्ट को रब करना है, पहले आपको लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से और राइट रिब्स को लेफ्ट हैंड से आपको रब रोटेशन मैनर में आपको रब करना है। उसके बाद में आपको अपने हैंड वॉश कर लेने हैं और हैंड वॉश करने के बाद में आपको एक क्लीन टॉवल से आपको पोंछ लेना है। तो हमने इस वीडियो में देखे हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।